मैं अपना उद्बोधन अपने वो वरिष्ठ साथी वाल्मीकि के नाम से प्रारंभ किया हूं और ये सांस वाला प्रश्न भी उसी से जुड़ा हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेज है, उसमें रामचरितमानस की रचना करने वाले वाल्मीकि जी जो थे, एक मंत्र का जाप करते थे, जिस मंत्र को जैसा कि हम जानते हैं वो क्या कहते थे, ओम मराय नमः, ओम मराय नमः। ऐसा वो मंत्रों का जाप करके अपनी यौगिक क्रियाओं को पूर्ण करते थे। मैं उनके आधार पर यह साबित करना चाहता हूं कि वाल्मीकि जो थे वो निश्चय ही लिंगों के अनुयायी रहे हों, तब ही वो ओम मराय नमः कहा करते थे। अब रामचरित की उन्होंने रचना की वो अलग बिंदु, लेकिन जिस मंत्र का जाप करते थे वो ओम मराय नमः। अब यहां प्रश्न उठता है, इस मंत्र का अर्थ क्या हो? अट्ठासी हमारे शंभु हुए हैं और कमोबेश 10 या 15 लिंगो हुए हैं। तो ये लिंगो काल गणना के अनुसार उस काल में भी इस संपूर्ण कोयामुरी द्वीप में गोंडी बोली बोली जाती थी। इसका यह है कि वाल्मीकि जो लिंगों की अवधारणा से प्रेरित थे वो उन्हीं के मंत्रों का जाप किया करते थे, ओम मराय नमः। आप लोग भली भांति जानते हैं कि मणा शब्द का गोंडी अर्थ क्या होता है। मणा शब्द का गोंडी अर्थ किसी हरे भरे वृक्ष को ही हम मणा शब्द के नाम से उच्चारित करते हैं, संबोधित करते हैं, या यूं कहिए कि हरे भरे वृक्ष को हम मणा कहते हैं। धारणा से प्रेरित होकर के वाल्मीकि जी हरे भरे वृक्षों को ही गुणगान किया करते थे।
या उनकी पूजा करते थे, उन पर उनकी आस्था थी। जैसा कि पहांदी पारी कुपार लिंगों ने कचारगढ़ में की कर्म भूमि पर जो काचे कियाना किया, काचे कियाना का अर्थ है फूलों को फूलों की माला तैयार करना। काचे कियाना का गोंडी से हिंदी अर्थ है पुंगार काचे कियाना, यानी फूलों की माला तैयार करना। पहांदी पारी कुपार लिंगों ने कचारगढ़ में फूलों की कौन सी माला बनाई थी वह आप सभी लोग जानते हैं। पहांदी पारी कुपार लिंगों ने कचारगढ़ में संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, कोयम्बेडु द्वीप के लिए जो व्यवस्था स्थापित की थी उसमें शंभू शेख ने जो गुणवाना के 33 करोड़ बच्चों को कचारगढ़ की गुफा में बंद कर दिया था और बंद करने के बाद उसको पत्थर से ढक दिया गया था और पत्थर से ढक करके शंभू शेख ने ये अभिमंत्रित कर दिया था, यानी उसमें ये मंत्र मार दिया था कि ये पत्थर ताकत से नहीं खुलेगा, बल लगाएंगे तो ये पत्थर नहीं निकलने वाला। तो उनसे ये पूछा गया था कि भाई आखिर इन बच्चों का तो बोला, उन्होंने ये बता दिया था कि ये कचारगढ़ में जो गुफा पर जो पत्थर लगा है यह पत्थर ताकत से नहीं खुलेगा, संगीत की ध्वनि से ही खुलेगा। इसलिए पहांदी पारी कुपार लिंगों ने जब उस गुफा को द्वार को खोलने का अवसर आया तो उस काल के सबसे बड़े संगीतकार हीरा सोका को उन्होंने आमंत्रित किया और हीरा सोका किंगरी वादन में सिद्ध हस्त थे और अपने किंगरी से वो सभी प्रकार के संगीत विद्या का उच्चारण निकाल लिया करते। अतः शंभू शेख की जो अभिमंत्रित प्रस्तर खंड था गुप्ता उसको अलग करने के लिए राम बच्चा जो लिखा है वही नाम है राम बच्चा। राम बच्चा पहांदी पारी कुपार लिंगों ने हीरा सोका को वहां बुलाया और हीरा सोका ने उसमें 3 रात और 3 दिन प्रदेश का हीरा आने वाला है वो जी, 3 रात और 3 दिन उस पत्थर के बाहर खड़े होकर के पत्थर तोड़ने का जो संगीत विद्या का यंत्र जो सुर है उसका आलाप लगाया और अपने किंगरी का वादन उन्होंने 3 रात और 3 दिन किया। उससे वो पत्थर अपने आप भरभरा कर टूट करके हीरा सोका के ऊपर ही गिर गया और हीरा सोका की वहीं मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हमारे एक
महान संगीतकार हीरा शिवका की मृत्यु उस कचारगढ़ के पत्थर के संगीत से खोले जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। पारी पहांदी को पार लिंगो उन बच्चों को वहां से आजाद कराते हैं और उनको सबका सिर मुंडन कराकर उनको सबको बैनगंगा की नदी में स्नान करवाते हैं और स्नान करवाने के बाद उनको सबको 12 गोत्रों की वहां पर स्थापना की जाती है। 12 गोत्रों की स्थापना करके सबको तिलक लगाया जाता है और तिलक लगा करके उनको वापस कचारगढ़ लाया जाता है और यहाँ ला करके जो 12 सगा समाज है उसकी रचना की जाती है। और ये जो रचना की गई है इसी रचना के कारण उस स्थल का नाम कचारगढ़ पड़ गया है जहां ये काचे की आना किया गया है। कालांतर में जो हमारे 15 के लगभग लिंगो हो गए थे उन्होंने इस 12 गोत्रावली को 7 खंडों में और बाद में 5 खंडों में और फिर 4 खंडों में इस तरह विभाजन हुआ और 5 खंडों के विभाजन के बाद पूर्व 7 खंडों के विभाजन में हर गोत्र से 100-100 लोगों को चिन्हांकित किया गया और उनके 50 भूमिका तैयार किया गया और 50 भूमिकाओं के 750 इन गोत्रावली की संख्याओं के लिए सबको अलग अलग गोत्र चिन्ह इनको आवंटित किया गया। इन गोत्र चिन्हों में सभी 750 जो गोत्रावलियां हैं उन लोगों में प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति की संतुलन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक पशु एक पक्षी और एक वृक्ष यह 3 टोटम या गोत्र चिन्ह उन गोत्रावली को आप प्रदान किया गया। तो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए एट ए टाइम एक ही समय में हम लगभग 2250 वृक्ष पशु या पक्षी का एक तरफ संहार करते हैं तो दूसरी तरफ उनकी रक्षा करते हैं। और इन्हीं रक्षा करने की प्रवृत्ति के कारण ही हमारी जो संस्कृति है वह रक्ष संस्कृति कहलाई। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने वैश्य रक्षामह की पुस्तक लिखी है और उसका आगाज रामायण के अंश से ही प्रारंभ होता है। इस तरह हम जहां 2250 गोत्र चिन्हों के रक्षक हैं तो ठीक उसके विपरीत 2250 गोत्रों के हम भक्षक भी हैं। एक तरफ रक्षक भी हैं और एक तरफ भक्षक भी हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं को जिन्होंने तोड़ने का प्रयास किया इन संरक्षित वनों को जलाने का प्रयास किया उनको रोकने वाले राजा रावण रक्ष संस्कृति के महान विद्वानों में से एक गिने जाते हैं जिन्होंने पारिकुपार लिंगों की अवधारणा के अनुसार हमारे गोत्र चिन्हों की रक्षा की।
इसलिए वो वैदिक ग्रंथों के अनुसार राक्षस संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन गोंडवाना संस्कृति के अनुसार वो रक्ष संस्कृति के जनक थे और हमारे गोंडवाना संस्कृति के हमारे टोटम्स की रक्षा किया करते थे। और वो जंगलों में लकड़ियों को जलाने, हवन करने या प्रदूषण फैलाने के सख्त विरोधी थे। इसलिए वैदिक काल में ऋषि मुनियों के द्वारा जो ये चीजों को जलाई जाती थी, हवन कुंड में हवन डाली जाती थी, उससे वातावरण प्रदूषित होता था, पॉल्यूशन बढ़ता था। उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए राजा रावण रक्ष संस्कृति के पुरोधा थे और उन्होंने उसकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और इसी कड़ी में वाल्मीकि भी उसी मंत्र का जाप करते थे जिस मंत्र से उस 2250 वृक्षों की हमको रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं हरे भरे वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। और जिस ऑक्सीजन को हम अगर 2 मिनट या 3 मिनट भी नहीं लेंगे तो हमारे प्राण का पहलू उड़ जाएंगे। मैं अपना उद्बोधन यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।